तो दोस्तों, इंडिया को आईसीसी ट्रॉफी जीते हुए पूरे 10 साल हो चुके हैं और इन 10 सालों में हमने टीम इंडिया से बहुत आस लगाई थी कि इस बार हम तो पक्का जीतेंगे ही। लेकिन वो खुशी हमें इन 10 सालों में तो मिली ही नहीं। हर बार टीम इंडिया से हमें एक आस मिलती है, बट ट्रॉफी अभी तक नहीं मिली। तो दोस्तों, क्या लगता है कि इस बार रोहित शर्मा की कप्तानी में हमें ये खुशी टीम इंडिया दे पाएगी और ट्रॉफी को अपने नाम कर पाएगी? ये तो रही हमारी बात। अब करते हैं टीम इंडिया के बारे में कि इस बार क्यों फेवरेट है टीम इंडिया वर्ल्ड कप को जीतने के लिए। सबसे पहले टीम इंडिया के पास होम एडवांटेज होगा। जैसा कि आपको बता दे कि इसके पहले जो लास्ट 3 ओडीआई वर्ल्ड कप हुए हैं वो होम टीम ने जीता है। सबसे पहले 2011 में टीम इंडिया, 2015 में ऑस्ट्रेलिया, 2019 में इंग्लैंड। इससे तो साफ साफ पता चलता है कि टीम इंडिया के लिए ये एक प्लस पॉइंट होगा। इसके बाद सबसे मेन, टीम इंडिया के जितने भी प्लेयर्स वर्ल्ड कप के स्क्वाड में हैं वे अभी सभी कमाल के फॉर्म में हैं। चाहे वो हमारे फास्ट बॉलर्स हो या स्पिनर्स हो या फिर हमारे बल्लेबाज ही क्यों ना हो, अभी सभी के सभी कमाल के फॉर्म में चल रहे हैं। और टीम इंडिया अभी हाल में ही एशिया कप के चैंपियंस भी बने हैं। इसके बाद टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया को भी वर्ल्ड कप से जस्ट पहले सीरीज हराकर अपने विनिंग मोमेंटम को कायम रखा है और इसी विनिंग मोमेंटम के साथ टीम इंडिया वर्ल्ड कप खेलने उतरेगी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इस बार हमें वो खुशी मिलेगी जिस खुशी का इंतजार हम 10 सालों से कर रहे हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं।